सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज डिस्कस करेंगे जेंडर प्रिडिक्शन के बारे में। और आपको इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल्स और दर्जनों वीडियोस आपको यूट्यूब्स पर मिल जाएंगी जो कि प्रूफ के साथ आपको बताती हैं कि जेंडर प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। और इन वीडियोस में आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बाय प्रूफ दिखाई जाती है और आपको बताया जाता है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। इन वीडियोस में आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में प्लेसेंटा की पोजीशनिंग और फीटल हार्ट रेट को देखकर आइडेंटिफाई और विद प्रूफ बताया जाता है। तो ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन रिपोर्ट को देखकर, खासकर अल्ट्रासाउंड को देखकर क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपको बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इन टू इट। गाइज, इन वीडियोस में प्लेसेंटा की इंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन के बारे में बताया जाता है। इंटीरियर पोजीशन का मतलब होता है अगर प्लेसेंटा मदर की एब्डोमन वाल के साइड में होता है और ये जो यूट्रस की जो वाल है वो एब्डोमन साइड के साथ प्लेसेंटा चिपका होता है तो इसे इंटीरियर पोजीशन कहा जाता है। जबकि जो पोस्टीरियर पोजीशन है वो प्लेसेंटा अगर पीठ की साइड वाली वॉल में जो यूट्रस की होती है वहाँ की साइड अगर वो लोकेट होता है, चिपका होता है, तो इस पोजीशन को पोस्टीरियर पोजीशन कहा जाता है। इन वीडियोस में क्या होता है कि अगर इंटीरियर पोजीशन होती है तो ये बेबी गर्ल को दर्शाता है और अगर पोस्टीरियर पोजीशन होती है तो बेबी बॉय को दर्शाया जाता है। ओके, और ये सब चीज़ आपको किसी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखने पर मिल जाता है। और गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ साफ साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो जेंडर प्रिडिक्शन है वो हमारे इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में पूरी तरह से बैन है और ये एक कानूनी अपराध है जिसके लिए जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है और जो डॉक्टर है उस पर कार्रवाई की जा सकती है और उनका जो लाइसेंस है वो भी जब्त किया जा सकता है और काफ़ी सालों की सज़ा होती है। साथ ही जो जुर्माना होता है वो अलग होता है। और जो दूसरी टाइप की वीडियो है उसमें फीटल हार्ट रेट को बताया जाता है कि अगर 160 से ज़्यादा होता है तो बेबी बॉय होता है और अगर 160 से नीचे होता है तो बेबी गर्ल होती है। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाकर सोचिए कि आप कैसे जान सकते हैं फीटल हार्ट रेट से कि 160 से ज़्यादा होगा तो लड़का और 160 से कम होगा तो वो लड़की होगी। फीटल हार्ट रेट का कोई मैटर नहीं करता। दिल की धड़कन जो है वो कभी भी तेज़ हो सकती है और कभी भी कम हो सकती है। वो मदर के इमोशंस पर या हार्मोन्स पर डिपेंड करता है फीटल हार्ट रेट की, ठीक है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो जो भी कोई नॉर्मल पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, तो वो सोते समय उसकी हार्ट रेट कम होती है, या उसको भी छोड़िए आप गुस्से के समय जब गुस्सा आता है बंदे को या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो उसकी हार्ट रेट तेज हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर मदर थोड़ी सी नर्वस होती है, बेचैनी उसको होती है, घबराहट होती है तो फीटल हार्ट रेट भी उसकी बढ़ जाएगी। मदर की तो बढ़ेगी बढ़ेगी जब वो घबराहट और बेचैनी होती है। और यहाँ पर अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने का आपको प्रोसीजर तो पता ही होगा कैसे कराते हैं अल्ट्रासाउंड। वहाँ पर एक अननोन डॉक्टर होता है और जो प्रोसीजर होता है वहाँ पर जो जेली लगती है पेट के ऊपर और फिर डॉक्टर आपको देखता है, उस टाइम हर लेडीज़ थोड़ी सी नर्वस होती है। तो वहाँ पर नेचुरली है थोड़ी सी, आपको रेगुलर हार्ट बीट नहीं मिलती, ठीक है। और फीटल हार्ट रेट का तो कोई मैटर ही नहीं होता, क्या पता कि बेबी सो रहा हो उस टाइम। तो ये बकवास बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई डॉक्टर, पहली तो यही बात है कि कोई डॉक्टर आपको भूलकर भी कोई क्ल्यू नहीं देता, ठीक है, कोई क्ल्यू दे ही नहीं सकता। उसने अपना जो सेंटर है अल्ट्रासाउंड का वो बंद थोड़ी करवाना है। और दूसरी जो बात है वो प्लेसेंटा पोजीशनिंग की, इंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन है ना, तो ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट, इनफैक्ट जो पेशेंट्स हैं ना जिन्होंने डिलीवरी करवाई है हॉस्पिटल में, मैं उनको भी ठा कर भी आपसे बात करवा सकता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ तो उनको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्लेसेंटा की पोजीशनिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और उससे आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि आपको बेबी बॉय होगा और बेबी गर्ल होगी।
तो गाइज ऐसी बकवास वीडियोस को कभी भी आप ना देखें, उन पर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी वीडियोस को बनाकर लोगों के इमोशंस से आप बिल्कुल भी मत खेलें। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है या फिर जो आपके व्यूअर्स हैं, जो उनसे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको बिल्कुल भी गलत जानकारी ना दें। और बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप एटलीस्ट अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप पहले अच्छे से उसके बारे में कंफर्म कर लें और फिर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दें। तो गाइस आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइस ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।